हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं द बिगिनर फ्रेंडली टेक्स्ट ट्रेवल्स के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। टेक्स्ट ट्रेवल्स के पिछले वीडियो में हम लोग 3 एग्जांपल देख चुके हैं, तो हम लोग आज इस वीडियो में 2 एग्जांपल और देखेंगे। तो हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार ऐसे टॉपिक पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग टेक्स्ट ट्रेवल्स का फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर हम लोग इस बिल्डिंग के साथ टेक्स्ट को कनेक्ट करने के लिए सीखेंगे मोशन ट्रैकिंग का यूज करके। मोशन ट्रैकिंग के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। यदि आप मोशन ट्रैकिंग का यूज करने के लिए नहीं जानते हैं, तो हमारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग अपने वीडियो पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मोशन ट्रैकिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। हम लोग का यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग ऑन हो जाएगा। मोशन ट्रैकिंग ऑन होने के बाद आप अपने टेक्स्ट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप उस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अपने टेक्स्ट को खिड़की के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इस खिड़की को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से स्टार्ट ट्रैकिंग वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से टाइटल टाइम में जाएंगे और इस टाइटल को अपने टाइम लाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, जिससे यहाँ से पूरे वीडियो पर स्ट्रेच कर उसके बाद यहाँ से टाइटल को कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ से आप इसके पोजीशन को सेट कर लेंगे। पोजीशन सेट करने के बाद हम लोग अपने वीडियो पर करेंगे और यहाँ से लिंक एलिमेंट में आकर हम लोग टाइटल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ से अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, हमारे वीडियो के ऊपर टेक्स्ट अप्लाई हो चुका है। और यदि आप इसे सिनेमैटिक आना चाहते हैं, हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लेंड मोड सेट कर देंगे। जो ब्लेंड मोड सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओवरले सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब आप जो को प्ले करके देख सकते हैं, हमारा टेक्स्ट सिनेमैटिक तरीके से बन चुका है। तो अब हम लोग लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ और फिर इस वीडियो टाइम लाइन पर प्ले कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग टाइटल स्टेप में आकर टाइटल को अपने टाइम लाइन पर प्ले कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपने टाइटल पर डबल क्लिक करके यहाँ से एडवांस टैब में चले जाएंगे। एडवांस टैब में आने के बाद यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और फिर ऐड सेव वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से एक सेव को ऐड कर लेंगे और इसे पूरे वीडियो पे अप्लाई कर देंगे। पूरे वीडियो पे अप्लाई करने के बाद इसके टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देंगे। आप सेव फील्ड में आकर इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद हम लोग इसे कस्टमाइज कर लेंगे। यहाँ से आप इसके शेप को इंक्रीज कर सकते हैं, आपको जितना इसे इंक्रीज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम लोग वीडियो में जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने टेक्स्ट पे ब्लेंड मोड अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आप जो ब्लेंड मोड रखना चाहते रख सकते हैं। मैं यहाँ से डार्कन ब्लेंड मोड को सेट करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट इफेक्टिव लग रहा है देखने में। और यदि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर फ्रेम ऐड करना चाहते हैं और इसे ज़्यादा सिनेमेटिक तरीके से बनाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट के फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड करता हूँ और उसके बाद अपने टेक्स्ट लास्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और यहाँ से स्केल को इंक्रीज कर देंगे और फिर यहाँ से इसके ओपेसिटी को डिक्रीज कर लेंगे। अब हमारा टेक्स्ट रेडी हो गया है, अब आप इसे देख सकते हैं। हमारा टेक्स्ट सिनेमेटिक तरीके से बन चुका है। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेम इसी तरह का इस वीडियो को मैं टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेता हूँ और इसे कट कर देंगे। उसके बाद अपने वीडियो के लिए एक टाइटल को ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से एडवांस टैब में जाएंगे। सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ से अपने टेक्स्ट को पहले डिलीट करेंगे, एक सेप को ऐड करेंगे, सेप को पूरे वीडियो पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ से इसके टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद यहाँ से सेप फिल में आके इसके कलर को चेंज कर लेंगे और फिर यहाँ से टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे और यहाँ से कस्टमाइज कर लेंगे। कस्टमाइज करने के बाद हम लोग यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं, जितना इंक्रीज करना चाहते हैं। और यहाँ से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और यदि आप इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एनिमेशन में जाएँ और यहाँ से कोई भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ से टाइपराइटर में अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग अपने टाइटल के फर्स्ट में के फ्रेम ऐड करेंगे। फ्रेम ऐड करने से पहले हम इसके ब्लेंड मोड को सेट कर लेते हैं, यहाँ से डार्कनेस पे सेट कर देंगे। उसके बाद के फ्रेम ऐड कर लेंगे, तो फ्रेम फर्स्ट में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने टाइटल के लास्ट में आएंगे और के फ्रेम ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से स्केल को इंक्रीज कर लेंगे। स्केल को इंक्रीज करने के बाद इसका पोजीशन को इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसकी ओपेसिटी को पूरा डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा दोनों टेक्स्ट इतना सिनेमेटिक देखने में लग रहा है। इसी तरह से अपने टेक्स्ट को भी बना सकते हैं। और यदि इसके ऊपर आप ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से विजुअल ट्रांजिशन दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें, विजुअल ट्रांजिशन दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें। अब आप यहाँ से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं हमारा वीडियो में टेक्स्ट कितने अच्छे तरीके से प्ले हो रहे हैं और कितना सिनेमेटिक और इफेक्टिव देखने में लग रहा है। तो आप भी इसी तरीके से अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं। तो यदि आप भी इस तरह का टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो में बताए गए मेथड को फॉलो करके बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 एग्जांपल सिनेमैटिक टेक्स्ट बनाने का। यदि आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।